हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इंटेंट लर्नर पर। तो इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 3 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं जो कि असर्टिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं, और असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत चेंज ऑफ टेंसेज की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, जिसमें 2 पार्ट हैं। जिस 2 पार्ट में एक घंटे में आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिक 2 जितना आपके कोर्स में उतना क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल सेड लीडर्स हैव प्रॉमिस्ड फॉर फुल कंपनसेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट में। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हमको पता है कि हम रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज करते हैं। यहाँ पे रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हमारा जो इनडायरेक्ट हो जाएगा, द पीपल सेड दैट, कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। फिर लीडर्स, अब हैव है तो हैड हो जाएगा, हैड प्रोमिस्ड फॉर फुल कंपनसेशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज ही सेड द प्रेस्ट का मतलब होता है पुजारी। डू नॉट अलाउ अदर्स इन द टेम्पल। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी पास्ट में है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि टेंस किस चीज़, सेंटेंस कैसे है। तो सेंटेंस तो असर्टिव है और साथ ही साथ इसमें जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड दैट द प्रीट्स डिड नॉट अलाउ अदर्स इन द टेम्पल। इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं इसको, आई सेड आई एम टेकिंग रेस्ट इन द रूम। तो आई सेड हो जाएगा आई सेड, फिर उसके बाद कंजक्शन दैट, फिर आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। आई वॉज टेकिंग रेस्ट इन द रूम, आई वॉज टेकिंग रेस्ट इन द रूम। फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन इज ही सेड द ट्रेन वॉज रनिंग लेट। तो चलिए देखते हैं इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेट, मतलब पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले टेंस का, सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड, कंजक्शन दैट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद द ट्रेन, अब वॉज रनिंग था तो ये हैड बीन रनिंग हो जाएगा, had been running late. Move on to our next question. Our next question is, the officer said, inverted commas, the people were demonstrating outside. Outside
तो देखिए जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमको देखना होता है कि माई रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस वर्ब डिमॉन्स्ट्रेटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, एज सेम एज द फोर्थ क्वेश्चन द ऑफिसर सेड, इसको आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, द ऑफिसर सेड, कंजक्शन दैट यूज करेंगे, दैट द पीपल, द पीपल हैड बीन, और फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिंग आउटसाइड, डेमोन्स्ट्रेटिंग आउटसाइड। सिक्स क्वेश्चन इज वी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल कंप्लीट आवर वर्क सून, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क सून। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है उसमें सेल लिखा है, सेल, तो यहाँ पे सेल जो है सुड में चेंज हो जाएगा। आपको रूल्स वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ क्लियर करी गई थी कि सेल को सुड में चेंज करना होता है। तो वी सेड कंजक्शन दैट यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद वी शुड कंप्लीट आवर वर्क सून, हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन इज दे सेड मोहन कैन डेकोरेट द टेम्पल नाइसली। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको आप बना सकते हैं दे सेड, अब देखिए कंजक्शन दैट यूज़ करेंगे, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैन लगा है तो कैन चेंज हो जाता है कुड में, दे सेड दैट मोहन कुड डेकोरेट द टेम्पल नाइसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज रानी सेड दे विल विन प्राइज, तो रानी सेड दे विल विन प्राइज, यहाँ पे विल है सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा, विल चेंज हो जाता है वुड में। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा रानी सेड, फिर आपको कंजक्शन दैट यूज करना है, देन दे, अब विल का हो जाएगा वुड, बस सेम आपको एज इट इज लिख देना है प्राइस। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल ड्रिंक मिल्क, तो आई शैल सेल चेंज हो जाएगा सुड में, बाकी कंजक्शन लगा के आपको एस एम एस जोड़ देना है, आई सेड फिर कंजक्शन दैट यूज करेंगे आप, उसके बाद आई सेल हो जाएगा शुड में चेंज हो जाएगा, देन ड्रिंक मिल्क। डन। टेंथ क्वेश्चन इज ही सेड ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट, he works hard so that he may stand first. Now we can use it, देखिए यहाँ पे he works hard so that he may pass stand first, तो यहाँ पे he works hard मतलब कि आपका जो reporting verb है वो सेट में है, मतलब पास्ट में है तो ये चेंज हो जाएगा, वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज करेंगे और साथ ही साथ मे को
माइट में करेंगे, बाकी आपको सेम एज इट इज जोड़ देना है। तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सेड, फिर कंजक्शन दैट यूज करेंगे, ही स्मॉल लेटर ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट। डन। नाउ मूव ऑन टू अवर 11th क्वेश्चन। नाउ अवर 11th क्वेश्चन इज, आई सेड द ट्रेन मे फॉल एट एनी मोमेंट, द ट्रेन मे फॉल एट एनी मोमेंट। ठीक है, तो आप इसको देखिए, द ट्रेन मे फॉल, मे को चेंज कर देना है माइट में, बाकी सारा आपको वैसे ही करना है, सेड तो सेट ही रहेगा, उसके बाद कंजक्शन दैट लगाएंगे, द ट्रेन माइट फॉल एट एनी मोमेंट। तो देखते हैं, आई सेड दैट द ट्रेन माइट फॉल एट एनी मोमेंट। हाँ, तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन इज, ही सेड ओनली अ फ्यू मैन कैन क्लाइंब अप द हिल ऑन फुट का मतलब होता है पैदल चल के। सो जब हम आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमको यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो अब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ओनली अ फ्यू मैन कैन, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका टेंस चेंज करना है और कैन कुड में चेंज हो जाएगा, बस कैन को कुड में चेंज कर देना है और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, और कंजक्शन दैट ऐड कर देना है जैसा कि पहले भी करते हैं। तो ही सेड दैट ओनली अ फ्यू मैन कुड क्लाइंब, क्या हो जाएगा, कुड क्लाइंब अप द हिल बाय द हिल ऑन फुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th। सो नाउ अवर 13th क्वेश्चन इज, सी सेड द गर्ल्स कैन प्ले हेयर। ठीक है, तो देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होने के बाद आपको ये देखना है कि आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस का टेंस क्या है। तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस है कैन में, मतलब कि कैन को चेंज करना है कुड में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेयर आया है, हेयर मतलब कि एक निकटता सूची शब्द है, निकटता सूची शब्द को चेंज करना होता है, तो यहाँ पे हेयर को हम चेंज कर देंगे देयर में। तो चलिए देखते हैं कि इनडायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट बना सकते हैं, सी सेड, फिर कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे, द गर्ल्स कैन, गर्ल्स अच्छा कुड हो जाएगा, हाँ द गर्ल्स कुड प्ले, अब हेयर का देयर हो जाता है, हेयर को हम देयर में चेंज कर देते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको निकटता सूची शब्दों की लिस्ट दी गई थी, आपको उनको लर्न करना है। तो चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं, और 14th क्वेश्चन इज, द जेलर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द प्रिजनर होता है कैदी, प्रिजनर डाइड इन द नाइट, द प्रिजनर डाइड इन द नाइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस सेंटेंस है वो उसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपका ये जो रिपोर्टेड पार्ट दिया हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट, द जेलर
फिर उसके बाद आपको सेट एज इट इज़ नोट कर देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेट को टोल्ड में नहीं चेंज कर पा रहे हैं। उसके बाद कंजक्शन दैट यूज़ करना है, फिर द प्रिजनर, देन डाइड है। तो डाइड का मतलब है कि पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड डाइड इन द नाइट। 15th क्वेश्चन देखते हैं। हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल रीड, आई शैल रीड द बुक। तो हरी सेड आई शैल रीड द बुक, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शैल आया है, आई के बाद शैल आया, तो शैल को हम सुड में चेंज कर देंगे। चलिए देखते हैं, इनडायरेक्ट हमारा हो जाएगा ही सेड, फिर उसके बाद कंजक्शन दैट यूज़ करना है। कंजक्शन दैट यूज़ करने के बाद आपको इस सेंटेंस का लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे सेल है, सेल को सुड में चेंज कर देंगे। रीड द बुक। तो आज हमने 15th क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंसेस हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग अभी टेंस में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो टेंस में परिवर्तन इस तरह किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा है और अगर आपको ज़रा सी भी इसमें हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।